शर्ट प्लीज। चलो चलो अंदर। हाय आई थिंक फिल्म सबको बहुत पसंद आ रही है, फिल्म के रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो अभी तक तो यही रिस्पॉन्स है। बाकी अब आज के बाद जो है कल से पता चलेगा कि इन टर्म्स ऑफ बिजनेस आज के बाद ही पता चलेगा, बट इन टर्म्स ऑफ रिव्यूज़ 90% रिव्यूज़ आर वेरी गुड। कुछ एक हैं दे आर नॉट वेरी गुड, बट 90% आर वेरी गुड। बहुत आए, बहुत मैसेजेस, इतनी अच्छी इतनी खूबसूरत बातें लिखी जा रही हैं, ये कहना मुश्किल है कि कौन सा अच्छा लगा। मतलब मोर देन आई एक्सपेक्टेड। हर रिव्यू पढ़ लेते हैं क्योंकि ये वक्त है जहाँ पे कुछ जो समीक्षाएं हैं, जो चर्चाएं हैं, उनको हम लोग ध्यान में रखते हैं, और जो भी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है या जो भी चीज़ लोगों को पसंद आ रही है उसका एक अच्छा जो है उसको एनालाइज़ किया जा सकता है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, अभी तो बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ हो गए हैं, उतने तो नहीं वी कैन कैच अप विद ऑल ऑफ दैट, बट कुछ एक हैं जो कि आई लुक अप टू, तो उनको मैं पढ़ती हूँ। नर्वस तो मैं बहुत हूँ, लेकिन अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं तो एक तो ये इतनी नर्वसनेस नहीं होती जब रिव्यूज़ अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन नर्वसनेस तो होती है। वेल हमें तो ये है कि जितने भी इन्वेस्टमेंट्स किसी भी प्रोजेक्ट पे लगी हो, क्योंकि ये जो है ये इट्स अ बिजनेस प्रोपोजिशन, तो आप यही चाहेंगे कि इतने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स हैं ये सब जो हैं, आप प्लीज़ बात करते वक्त फ़ोटोज़ मत लीजिए, तो इतने इन्वेस्टमेंट्स जो हुए हैं, हम तो यही चाहेंगे कि रिटर्न्स सबको मिले। और बाकी ब्लॉकबस्टर तो अभी आई थिंक द आइडिया ऑफ बिजनेस हैज़ बिकम अ लिटिल वल्गर। हर फिल्म से यही एक्सपेक्टेशंस है कि इतने 100 करोड़ करे, ये करे, वो करे, पर हम मुझे लगता है कि इट शुड बी अ बेनिफिशियल बिजनेस प्रोपोजिशन फॉर एवरीवन। नहीं, मैंने नहीं सोचा था, क्योंकि मेरे इतने फेवरेट सीन्स जो मेरे ग्राफ के लिए इतने इम्पॉर्टेंट है कट गए थे, तो मुझे जब पता चला कि मेरे बहुत सारे सीन्स, क्योंकि मैं जो है एक लीनियर ग्राफ में जो है अपना ग्राफ बनाती हूँ कैरेक्टर का, तो जब मैंने फिल्म देखी तो मुझे विशाल सर ने समझाया कि क्यों काटे वो सीन, वो डबल बीट्स हो रहे थे, ऑब्वियसली इट्स अ वेरी लेजिटिमेट थिंग टू डू। लेकिन जब मुझे पता चला कि मेरे ग्राफ के जो हैं बहुत ज़्यादा टॉप नॉच सीन्स जो हैं कट गए हैं, तो मेरी उम्मीदें सारी शैटर हो गई थी। मैंने कहा मेरा काम ठीक ठीक लगेगा, इतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी इतना अच्छा लग रहा है लोगों को, सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। थैंक यू।
Gracias.